तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और पीछे आप देख पा रहे होंगे NIRF की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें हम बात आज करने वाले हैं NIRF रैंकिंग की, जो लेटेस्ट इन्होंने रिलीज कर दी है। कौन कौन सी कॉलेजेस जो हैं या यूनिवर्सिटीज जो हैं वो टॉप पे हैं, क्या रैंकिंग है, इन सारी चीज़ों की डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आखिर तक देखना है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको ही तो इन कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है ना भाई, तो पता तो चले कि किसको हम टारगेट कर रहे हैं, वो रैंकिंग में कैसा है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों पे शेयर कर दो ताकि उन्हें भी ये चीज़ें पता चल जाए, और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सारी जानकारी कॉलेज की, कोर्सेज की, करियर की, CUET से रिलेटेड सब मिल जाए भैया, कोई समस्या आपको ना हो। और अगर आप चाह रहे हैं कि कोई सपोर्ट करे किसी भी प्रकार से, हम आपकी हेल्प करें किसी कोर्स को लेने में, करियर को चूज करने में, तो बेझिझक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिसको फिल करके आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए भैया, यहां पर यह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं आपको बता रहा हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये होता है भाई। और ये रैंकिंग प्रोवाइड कराते हैं इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सबके सब के लिए, ठीक है। अलग अलग भी, ओवरऑल भी करेंगे, कॉलेज वाइज भी करेंगे और कोर्स वाइज भी करते हैं, सारी चीज़ों की यहाँ पे रैंकिंग आपको मिलेगी। हम जो आज बात करेंगे वो यहाँ पे ओवरऑल रैंकिंग की बात करने वाले हैं। ओवरऑल मुझे लगता है लगभग 2700-2800 जो कॉलेजेस हैं उन्हें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें टॉप 100 की लिस्ट पे हम डिस्कस करेंगे। हालांकि पूरे 100 भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, देख लेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि पैरामीटर्स, जिस बेसिस पे इन्होंने क्या है वो इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग निकाली है। अच्छा, उनमें टॉपेस्ट इंस्टीट्यूशन तो अच्छे हैं कुछ कुछ भैया, आपके IIT IIMs वगैरह हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई है ना, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छे अच्छे IITs IIM के ऊपर भी हैं, तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन ठीक है, जैसा भी हो पहले पैरामीटर पर चर्चा कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वो पैरामीटर हैं, इसके बेसिस पे आपको रैंकिंग दी जाती है। टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, इसके बेसिस पे रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउट रीच और इंक्लूसिविटी, साथ ही साथ इसके अलावा परसेप्शन, ये वो पैरामीटर्स हैं जिन पे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को आंका जाता है, और इन्हीं के बेसिस पे उनको नंबर दिए जाते हैं, और उन्हीं नंबर के बेसिस पे आपको मिलती है रैंकिंग। सो भैया, जो भी इंस्टीट्यूशन इनमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको अच्छी रैंकिंग मिलेगी। अब वो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, उस पे रैंकिंग आएगी। लेकिन मुझे कुछ नाम देख के हंसी भी आ जाती है, चलिए देखते हैं सारी की सारी, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे रैंकिंग वाले सेक्शन पे, जैसे क्लिक करेंगे आपको रैंकिंग दिख जाएगी, ठीक है। ये रैंकिंग है, मैं एक बार बैक कर दूं तो रैंकिंग वाला ये पेज दिखेगा आपको, दिख रहा है। इसमें सारी रैंकिंग दी हुई है, ओवरऑल रैंकिंग, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग, कॉलेज की रैंकिंग, रिसर्च इंस्टीट्यूट की, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, इसके अलावा आप देखें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के बाद फार्मेसी की, फार्मेसी के बाद मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, इनोवेशन, ओपन स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं यहाँ रैंकिंग की, जिनको इन्होंने दिया हुआ। हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, ओवरऑल की, किसकी, ओवरऑल। तो ओवरऑल सेक्शन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टोटल लगभग 2800 के करीब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन थे इन 2800, लगभग 2800 है ना, इन इंस्टीट्यूशन में से टॉप 100 के नाम ये देख रहे होंगे, जिनमें से कुछ तो ऑब्वियस वाले नाम हैं, जैसे IITs के नाम यहाँ पे मिलेंगे आपको टॉपिस्ट में, लेकिन कुछ बीच में मिल जाएंगे ऐसे नाम जो सुन के अच्छा लग भी सकता है, ठीक है। तो भैया IIT मद्रास हमेशा की तरह टॉप पे, जी हाँ, पहली ही रैंकिंग इसकी पिछली बार भी थी। फिर IISc बेंगलुरु, देखो टक्कर बस इन दोनों में ही होती है, IISc बेंगलुरु या तो पहला रहता है या फिर IIT मद्रास रहता है, ठीक है, तो वही चलती रहती है अब पहले दूसरी पोजिशन पर। फिर IIT बॉम्बे है जो कि टक्कर में ये भी रहता है, ठीक है। फिर IIT दिल्ली हो गया, IIT कानपुर हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, ये आपके टॉप 6 रैंकिंग हैं जो IITs हैं, टॉपेस्ट इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट हैं, किसमें, टेक्नोलॉजी वाले, ठीक है। फिर आप देखेंगे मेडिकल वाला एक इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा, है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि एम्स दिल्ली, और एम्स दिल्ली यहाँ पे 7वें नंबर पे है इस ओवरऑल रैंकिंग में। IIT रुड़की 8वें पे है, फिर IIT गुवाहाटी आ जाएगा, फिर JNU, आपने नाम तो सुना ही होगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जी हाँ भैया, जानी मानी दिल्ली की ये यूनिवर्सिटी है जो कि यहाँ पे 10वें नंबर पे है। फिर BHU का नाम भी सुना होगा, ऑब्वियस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 11वें नंबर पे है, IIT हैदराबाद
फिर JMI यानी जामिया मिलिया इस्लामिया यहाँ पे 13वें नंबर पे है। मणिपाल अकेडमी, अब ये थोड़ा सा नाम कई बार देख लो आप, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से यानी DU से ऊपर किसकी रैंक आई है ओवरऑल में, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है भैया, ये कर्नाटका मणिपाल में सिचुएटेड। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की रैंकिंग है, फिर AMU की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चलो ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल की है ना, अच्छी खासी है। अमृता विश्वविद्यापीठम ये आपकी 18वें नंबर पे है। वेल्लोर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी VIT का नाम आपने सुना होगा मुझे लगता है, तो VIT जो है ये अचानक से कुछ IIT NIT के ऊपर आ गया है ना ओवरऑल में, तो कई बार थोड़ा सा लगने लगता है कि क्या है, लेकिन वो पैरामीटर्स हैं और उसके बेसिस पे ये आपको मिली है रैंकिंग। फिर भैया अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की, अच्छा खासा नाम है और सच में अच्छा परफॉर्मेंस है। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे 21वें नंबर पे आ रही है। सबिता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्निकल साइंस ये ठीक है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी का नाम आपने सुना ही होगा है ना, तो भैया ये बिट्स पिलानी है शिक्षा अनुसंधान, ये उड़ीसा की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उसके बाद कैलकटा यूनिवर्सिटी, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट जहांगीर साहब, होमी जहांगीर बाबा साहब के नाम पर, ठीक है। ये मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT, ये उड़ीसा की है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो भैया ये भी नाम इनका है। इसके बाद देखें आप तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, IIT गांधीनगर इनके बाद है, कई बार हंसी आती है लेकिन ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU, IIT BHU जिसको कहते हैं, तो वो उसके बाद NIT तिरुचिरापल्ली, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, IIT इंदौर, सोचो भैया इंदौर 33वें नंबर पे, ठीक है। इसके बाद राउरकेला NIT राउरकेला, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT धनबाद, धनबाद के बाद JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ये मैसूर कर्नाटका में सिचुएटेड है। सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे में है, ठीक है। फिर केरला यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुदुचेरी, ठीक है हाँ भैया। फिर कुनेरू लक्ष्मिया एजुकेशनल फाउंडेशन KL कॉलेज, ये भैया जो है ये अचानक से इन्होंने इतनी वृद्धि करी, 40वें नंबर पे आ गए। आंध्र यूनिवर्सिटी IISER आईसर पुणे जो है वो भैया 42वें नंबर पे है। थापड़ इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है भैया, ठीक है, तो ये पटियाला पंजाब की 43वें नंबर पे है। भारतीय आर यूनिवर्सिटी है, फिर LPU का नाम मिल जाएगा आपको, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, NIT कर्नाटका उसके ऊपर है, बहुत बढ़िया है ना। सन्मुगम आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी ये तंजावुर तमिलनाडु की है। IIT रोपण, ठीक है, इतने नीचे है और ये LPO वगैरह आपको ऊपर मिल रही है। MIT यूनिवर्सिटी उसके बाद है, कैलाशलिंगम अकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिम्बियोसिस इंटरनेशनल ये भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है पुणे की, इनके अलग अलग कैंपसेस हैं, 52वें नंबर पे है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है, 100 नंबर तक ये पूरी की पूरी आपकी लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कुछ IIT NIT नीचे तक है। जैसे NIT दुर्गापुर देख लो भाई, तो वो 93वें नंबर पे है, जबकि वो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो ऊपर है ना। तो अब आप कहोगे सर ये कैसे, तो वो सब कैसे, पैरामीटर के बेसिस पे, और वो पैरामीटर में अच्छा कर रहे होंगे तो ऊपर पहुँच गए, हालांकि हंसी तो आती है लेकिन ठीक है, बढ़िया, ठीक। तो ये पूरी बात हमने किसकी कर ली, ओवरऑल कैटेगरी की, टॉप 50 एटलीस्ट 52 तक तो हम चले गए थे, 100 तक देखने में मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगेन आप चाहें तो पूरी लिस्ट देख सकते हैं कहाँ से, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट NIRFindia.org है, जहाँ आपको बाकी के सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब मिल जाएगी जानकारी, और आप किसको टारगेट कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और भाई अगर कॉन्टैक्ट करना है, जानकारी चाहिए है या फ्यूचर से रिलेटेड सारी चीज़ों को, हम नीचे आपको कमेंट सेक्शन के अलावा डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।